क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन 1 है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p / q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसमें यही पूछा है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है और क्या आप इसे p / q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो और जहाँ पे q जो है वो 0 के इक्वल ना हो, तो हम जानते हैं कि जो भी रेशनल नंबर होता है उसे हम p / q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे q 0 नहीं होता, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, यस, 0 इज अ रेशनल नंबर एज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0/1 और 0/2 और 0/3 एटसेट्रा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं, तो इन्हें हम कैसे फाइंड करेंगे? तो 3 और 4 इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं। किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं। तो आइए पहले इसे इतना लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स इन बिटवीन 3 एंड 4। और 3 और 4 को हम लोग p / q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो p / q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 3 एंड 4 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 24/8 एंड 32/8। तो यहाँ पे 8 से अगर 24 को काटेंगे तो 3 आएगा, और 8 से 32 को काटेंगे तो 4 आएगा। तो 3 और 4 को 24/8 और 32/8 भी लिख सकते हैं हम रिस्पेक्टिवली। देयरफोर रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 आर 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8 एंड 30/8। 5 रेशनल नंबर्स हमारे हो गए।